आज अभी हमारे पास जो पेशेंट्स बैठे हैं ये उत्तर प्रदेश से हैं। इनको हेपेटाइटिस बी की प्रॉब्लम थी और इनसे सुनते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी और कैसे इन्होंने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अच्छा राजेश्वर जी, बताइए ज़रा आप कहाँ से हैं और कौन पेशेंट हैं और क्या प्रॉब्लम थी? ये मेरे पिताजी हैं, इनका नाम राजेश्वर सिंह जी, जो हम शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से हैं। शाहजहां, ओके। अप्रैल 2020 में जांच कराने के दौरान हमें पता चला कि लीवर में हेपेटाइटिस बी वायरस है इनके बच्चे। अच्छा तो उसके लिए हमने एलोपैथी में ट्रीटमेंट शुरू कराया। हमारे यहाँ बरेली जो मंडल लगता है वो काफी एलोपैथी के लिए बड़ा फेमस है। लखनऊ के बाद बरेली का ही बड़ा नंबर रहता है। ठीक है। एलोपैथी के बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर वहाँ हैं, लीवर के भी हैं, सारी मरीजों के बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर वहाँ हैं। तो उन्हें दिखाया, सबसे कंसल्ट किया, तो डॉक्टरों ने यही बताया कि लीवर में आपके काफी समस्या है। वायरल लोड जांच कराया गया तो 54 करोड़ वायरल लोड आया हमारा निकल के, 54 करोड़। 54 करोड़। अच्छा आपको मैं बताऊंगा कि मैंने अपनी लाइफ में जो हेपेटाइटिस बी के जितने भी पेशेंट देखे हैं आज तक, जो मैक्सिमम वायरल लोड देखा था वो था 22 करोड़। तो ये एक तरह से मेरे लिए भी रिकॉर्ड हो गया कि 54 करोड़ मैंने पेशेंट देखा जिसका वायरल लोड 54 करोड़ था। अच्छा तो फिर उसके बाद हमने जब एलोपैथी में डॉक्टरों को दिखाया हाँ तो उन्होंने बताया कि आपका वायरल लोड 54 करोड़ आया है और आप हमारी दवाइयां खाइए। और दवाइयां हमारी चलती की रही उनके यहाँ, तो 1-2 महीने ट्रीटमेंट चला लेकिन उससे कोई आराम नहीं मिला हमें। फिर एक डॉक्टर है, उन्होंने बताया कि आप फाइब्रो स्कैन कराइए। तो हमने फाइब्रो स्कैन कराया जिससे हार्डनेस का पता लगता है। उन्होंने बताया कि इससे हार्डनेस पता लगेगी, लीवर में हार्ड हुआ है, लीवर कठोर हो गया है। तो 54 KPa हमारा फाइब्रो स्कैन आया था अप्रैल में, अच्छा अप्रैल 2020 में। 35 KPa, अच्छा 35 KPI आया था अप्रैल 2020 में। 2020 में। हाँ, अच्छा तो एलोपैथी में डॉक्टरों ने बताया कि आप ट्रीटमेंट हमारे यहाँ से चलाइए, इससे थोड़ा बहुत आपको आराम मिलेगा लेकिन आपका पूरा लीवर ये कभी ठीक नहीं हो पाएगा और ये जो हार्डनेस है वो बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। अच्छा जी। और डॉक्टर ने बताया कि अभी तो आपको समस्या नहीं आ रही है एसाइटिस की, आपके पेट में पानी नहीं है, धीरे धीरे पानी भी भरता जाएगा जिसे अच्छा आप रोक भी नहीं पाएंगे। और एलोपैथी में इसका कोई अच्छा सा इलाज नहीं है, आपको एक ही चारा है हाँ कि आप अपना जो लीवर है वो ट्रांसप्लांट करा लीजिए दिल्ली आके। अच्छा डॉक्टर ने यही बताया। तो उसके बाद हम लोग काफी परेशान भी हो गए फिर कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए लीवर ट्रांसप्लांटेशन का खर्चा उठाना आम बात तो नहीं है, कितना खर्चा काफी बताया उन्होंने? महंगा। कितना खर्चा बताया? बोले 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा आएगा आप अगर दिल्ली में मेदांता या कहीं भी कराते हैं तो। अच्छा उसके बाद हम लोग फिर घर चले आए, उनकी दवाइयां थी और थोड़ी थोड़ी खाते रहे थोड़े दिन तक। तो फिर आपको YouTube से पता लगा मेरा। उससे एक सेकंड रुके। अच्छा तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर हम लोग एलोपैथी की ट्रीटमेंट चलाते रहे। ऑनलाइन सर्च करने पर हमें प्लेनेट आयुर्वेदा के बारे में पता चला, कुछ अच्छा वीडियो हमने देखे। तो वीडियो के बाद ऑनलाइन मेडिसिन सर्च करी तो डॉक्टर साहब के बारे में पता चला कि विक्रम चौहान जी का अपॉइंटमेंट के बाद मेडिसिन देते हैं। अच्छा तो कॉस्टिंग वगैरह का पता चला तो उसपे आया कि हाँ इतनी इतने की दवाई है। तो एकदम लोगों का कहना था कि कैसे बिलीव करा जाए, आप उत्तर प्रदेश में है शाहजहांपुर से और चंडीगढ़ में दवाई मिलती है, पता नहीं काम करेगी नहीं करेगी, सजेशन था लोगों का। कल तो भी मैंने ये सोचा कि जब इतना पैसा हम एलोपैथी में खर्च कर चुके हैं तो इस पे भी आयुर्वेदा को भी एक बार आजमाया जाए, क्योंकि आयुर्वेदा पे हमने पहले कभी इतना बिलीव नहीं किया। अच्छा एलोपैथी की मेडिसिन हमेशा खाई, तो फिर उसके बाद आयुर्वेद की दवाई आपने शुरू कर दी विश्वास करके। हाँ उसके बाद विश्वास करके हमने आयुर्वेद की पहली बार दवाई मंगाई फिर वो शुरू कर दी। शुरू करने के बाद धीरे धीरे आराम पता चला कि खाने पीने में भूख लगने लगी, उतनी थकान भी नहीं रहती थी। तो 1-2 महीने दवाई चलाई, 2 महीने में हमें काफी आराम पता चला।
सारा पहले जब हमने जांच कराई थी, जब हमारी डीएनए इसका कराया था हेपेटाइटिस बी का, जब वायरल लोड पता चला था, तो जो हीमोग्लोबिन था वो बहुत कम हो गया था, 8-9 रह गया था हीमोग्लोबिन। अच्छा, तो जब 2 महीने दवाई खाने के बाद हीमोग्लोबिन कराया तो वो 2 महीने में हीमोग्लोबिन 12-13 पहुंच गया, नॉर्मल सा चेहरा अच्छा लगने लगा। वेरी गुड। तो 2 महीने में विश्वास हो गया कि हाँ, आयुर्वेद की दवाई जो प्लांट आयुर्वेद हमें प्रोवाइड करा रहा है, बहुत अच्छा काम हमारी कर रही है। अच्छा। और जब हम एलोपैथी खाते थे उस समय भी 10-20 हजार रुपए का खर्चा हमारा महीने में हो रहा था, तो इससे भी प्लांट आयुर्वेद हमें उससे तो सस्ता ही पड़ रहा था एलोपैथी वाले से, क्योंकि उनकी तो दवाई एक एक टेबलेट की कीमत 150 रुपए थी जो चल रही थी। अच्छा, वो आपने बंद कर दी। और ये आप मुझे ये बताइए कि फिर अब उसके बाद जब आयुर्वेद की दवाई अब चलाई आपने 4-5 महीने 6 महीने, तो फिर अब आपने वायरल लोड टेस्ट कराया या अपना वायरल जो फाइब्रो स्कैन कराया, तो अब क्या रिपोर्ट आई है 6 महीने बाद? जो अप्रैल की फाइब्रो स्कैन थी उसके बाद हम रूटीन फाइब्रो स्कैन कराते रहे बीच बीच में। ठीक है ठीक है। तो अप्रैल के फाइब्रो स्कैन के बाद 3 महीने बाद फाइब्रो स्कैन कराई, तो उसमें 35 से सीधा 21 आ गई हमारी फाइब्रो स्कैन। ओके वेरी गुड। ठीक है। 3 महीने दवाई खाने के बाद, 3 महीने के बाद 1 महीने बाद दोबारा फिर कराई, 4th महीने तो 21 से 18 आ गई। अच्छा। 18 के बाद अब 6th महीने 6 महीने हमें मोबाइल दवाई खाते, पिताजी को दवाई खिलाते हुए, तो 6 महीने में अब हमारी 17 रह गई है फाइब्रो स्कैन। चलो धीरे धीरे कम हो रही है। धीरे कम हो रही है। और वायरल लोड जो हमने पहले 6 महीने पहले अप्रैल में कराया था तो 54 करोड़ था, और अब 6 महीने बाद उस दिन कराया है तो उसमें 0 आया है कि वायरल लोड में एक भी वायरस नहीं डिटेक्ट हुआ है, नॉट डिटेक्टेड लिख के आया है। वेरी गुड। अच्छा, ये तो कमाल ही हो गया जो आपने मुझे ये खबर सुनाई है ना कि 54 करोड़ से नील आ गया, नील डिटेक्टेड लिखा है, 0 आया है उसमें। वेरी गुड वेरी गुड। ये तो बड़ी ही मतलब एक तो आयुर्वेद के लिए बहुत कामयाबी वाला एक विषय है। तो आपके पास रिपोर्ट है, दिखा सकते हैं अभी? जी, रिपोर्ट अभी यहाँ पे हाथ में तो नहीं है। हाँ? अब थोड़ा रखा हुआ है तो उसके लिए मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश थोड़ी देर बाद कर सकता हूँ, अभी तो नहीं है। अच्छा, आपने इधर कहीं दूर रखी है अलमारी, कहाँ रखी है? दूसरे वाले घर में है, मैं समय दूसरे घर में हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा राजेश्वर जी, आप ले आए रिपोर्ट्स वगैरह अपने दूसरे घर से? हाँ, रिपोर्ट ले आए हैं, वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं कि पहले कितना था और अब कितना। दिखाओ दिखाओ जरा दिखाओ। अच्छा, ये है वायरल लोड की रिपोर्ट। इसमें डेट भी, इसमें ये 54 करोड़ इसमें शो हो रहा है, डेट है ये 28 अप्रैल 2020। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब ये पहले ठीक है, और जो अभी का है ये अभी का है, इसमें ये डेट है 24 जनवरी 2021। 24 जनवरी 2021, बताओ कितना आया? और नॉट डिटेक्टेड आया। अच्छा, वेरी गुड, नॉट डिटेक्टेड आया इसमें। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ। चलो ये भी अच्छा हो गया। फाइब्रो स्कैन का कोई बात, ये फाइब्रो स्कैन है हमारा, दिखाओ दिखाओ। 22 जून को कराया था तो ये फाइब्रो स्कैन 34.2 kPa आया था। ठीक है, 35 के आसपास। ठीक है, और ये अभी वाला है 22 जनवरी का, ये 22 जनवरी 2021 का, तो इसमें 17.9 आया है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, ये चारों, चलिए ठीक हो गया, ठीक हो गया, बढ़िया हो गया। आपने रिपोर्ट भी दिखा दी, मैं यही चाहता था कि एक बार रिपोर्ट भी दिखा दे। आपको तकलीफ तो हुई, थोड़ा जाना पड़ा दूसरे घर में, पर थोड़ा दूसरे पेशेंट्स को भी ये लगता कि हाँ वाकई में ये ऐसा हुआ है ना? हाँ जी, ठीक है। चलिए, तो फिर डॉक्टर को दिखाई वो रिपोर्ट? नहीं, अभी एलोपैथी के डॉक्टर को तो नहीं दिखाई, क्योंकि एलोपैथी के डॉक्टर बड़ा उल्टा सीधा जवाब देते थे जब उनके पास जाते थे। तो पहली बार में तो उन्होंने 2-3 महीने हमें कुछ नहीं बताया। हाँ। कि क्या समस्या है, कितनी बड़ी समस्या है। जब एक दिन मैंने बहुत उनसे पूछा कि सर बताइए ना, हम लोग भाग रहे हैं, हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है सही सा। अच्छा। डॉक्टर बोलते हैं कि आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए, ये ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती। अच्छा। और आप कुछ नहीं भी दवाई खाइए, वायरल लोड आपका कभी 1-2 लाख तो हमेशा ही रहेगा। अच्छा। 0 वायरल लोड कभी नहीं हुआ, होगा ही नहीं। हाँ, उनका मानना था कि कभी नहीं होगा, तो और परेशान हो जाते थे हम उनकी बातें सुन के। अच्छा। कि
आई 4-5 दिन में बाकी नोट वाली, तो उसकी रिपोर्ट जब हाथ में आई तो हम भी शॉक्ड थे कि ये 54 करोड़ से नॉट डिटेक्टेड लिख के आ रहा है, एक संग चमत्कार सब गया है। नहीं तो जिसने जीरो रिपोर्ट वाली रिपोर्ट निकाली है लैब ने, कौन अच्छी लैब है, कौन सी लैब है? एक्यूप्रूव करके लैब है ये दिल्ली की, एक्यूप्रूव नाम से एक रजिस्टर्ड लैब है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो उनको मालूम था कि 54 करोड़ पहले आया हुआ है इनका? हाँ उनके यहाँ ही कराई थी पहले वाले की 54 करोड़ वाले भी, तो ये भी उनके यहाँ कराई थी। हाँ तो फिर उनको हैरानगी नहीं, उन्होंने नोटिस किया इस बात को? हाँ उन्होंने भी नोटिस करा, और जहाँ फाइब्रो स्कैन कराते हैं वो भी डॉक्टर है, तो उनका भी मानना था कि आप फाइब्रो स्कैन जब कराने आते हैं हमारे यहाँ, पुरानी फाइब्रो स्कैन लेके जाते थे हम, तो उनका कहना होता था कि आप ऐसा क्या खा रहे हैं जो फाइब्रो स्कैन इतना अच्छा सा आ रहा है, मेरे यहाँ लोग आते हैं तो उनकी फाइब्रो स्कैन बहुत धीरे धीरे घटती है या बढ़ती है, आपकी 35 से 17 पे आ गई है, आधी आधी 4-5 महीने में ऐसा क्या ट्रीटमेंट चला रहे हैं आप? अच्छा उन्होंने बोला आपको, तो उनको आपने दिखाना ही थी, अगली बार जाओगे ना कभी रिपोर्ट कराने तो उनको वो वायरल लोड की रिपोर्ट दिखाना। ये बहुत बड़ा एक समझ लीजिए आयुर्वेद का अचंभा है कि जो हमारा भूमि आंवला है ना, आयुर्वेद का भूमि आंवला, वो अगर अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया जाए, अच्छी एक्सट्रैक्ट फॉर्म में, अच्छे उसको प्रॉपर मेडिसिन उसकी बनाई जाए, जो मैं कि यूज़ करता हूँ अपने पेशेंट में, तो उससे ये वायरल लोड पे बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है, तो फाइब्रोस्कोन पे भी पड़ता है। उसके लिए मैंने यकृत प्लीहांतक चूर्ण है जो आपको दिया होगा मैंने, है ना? अब तो लोग बोलने लग गए, पहले बोला नहीं जाता था, नाम बड़ा मुश्किल है, यकृत प्लीहांतक चूर्ण। तो यकृत मतलब बहुत अच्छा काम कर रहा है वो हमारे यहाँ, जब इनको खिलाते हैं पिताजी को सुबह शाम की उसकी मात्रा जब हम उबाल के देते हैं ऐसे, तो वो बहुत अच्छा काम किया उसने हमेशा से। तो इमीडिएटली उससे जो लिवर के एंजाइम बड़े हुए होते हैं वो डाउन आने शुरू हो जाते हैं। और एलोपैथी से एक समस्या हमें और बढ़ गई थी बीच में, जब हम एलोपैथी चला रहे थे तो किडनी में रेसे बनना शुरू हो गए, डॉक्टर को बताया तो उनका कहना था कि आप अगर लीवर की दवाइयां खाएंगे तो किडनी में स्टोन की समस्या आ सकती है आपको। अच्छा उनकी अंग्रेजी दवाइयां खा रहे थे आप लीवर की, है ना? तो जब एक खा रहे थे तो अंग्रेजी में हमें ये नुकसान हो रहा था कि एक सही नहीं हो पा रहा है, दूसरा बढ़ जा रहा है, इस बात को लेकर परेशान थे। चलो बहुत खुशी की बात है, आप ये बिल्कुल बेटर होते जा रहे हैं, वायरल लोड तो इनका नील हो गया, तो और उसकी रिपोर्ट आप मुझे भेज देना। और वो आपके 10 मिनट बाद आप मुझे भेज देना, व्हाट्सएप कर देना। आपके पिताजी कुछ बोलना चाहते हैं बताइए। गुड़ खा सकते हैं क्यों नहीं खा सकते? थोड़ा थोड़ा, थोड़ी मात्रा में, ज्यादा नहीं। चीनी भी बिल्कुल ना, चीनी ना खाओ, गुड़ बेशक थोड़ा सा खा लो, हल्की मात्रा, कभी 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 खा लिया कोई बात नहीं, ठीक है? बाकी आप कुछ पूछना चाहें पिताजी से, कुछ कहना चाहें तो? नहीं बस, अब आप आपके मन में कोई टेंशन तो नहीं है इस बीमारी? उस समय थी जब वो डॉक्टर साहब ने 54 करोड़ बताया था, तब थी ना टेंशन? तब डॉक्टर साहब ने आपको अच्छे से डरा दिया होगा उस समय डर लगा था? काफी लगा था तो चलो आप तो डर निकल गया आपका। हाँ अब आपको लगता कि आप ठीक हैं? क्या क्या कह रहे? मैंने कहा उस समय काफी परेशान हो गई थी, पूरी फैमिली परेशान हो गई थी इनके साथ साथ में, ये भी परेशान थे, हम लोग भी परेशान थे। अच्छा 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 नहीं ठीक बात है। क्या बोल रहे? बाकी ये पूछ रहे थे कि हीमोग्लोबिन घटता बढ़ता रहता है हर महीने, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, ये बीपी लगा हुआ है लेकिन अब ज्यादा डाउन नहीं आ रहा है। 13 के आसपास, 11-12 ठीक है कोई बात नहीं, पहले तो 11-12 भी नहीं ना होगा, 8-10 के आसपास होगा, है ना? हाँ पहले तो बहुत हो गया था। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश्वर जी, और मैं कोशिश करूंगा कि आप 6 महीने बाद दोबारा वीडियो बनाऊं आपका, जब इनका फाइब्रो स्कैन और भी बेटर हो जाए, और वायरल लोड तो अब जीरो हो ही गया है, है ना? चलिए थैंक यू वेरी मच। बाकी फाइब्रो स्कैन की रिपोर्ट देखते बाकी सर एक ही जानकारी और चाहिए थी मुझे। हाँ कोई बात नहीं बताओ। ये जो अभी जैसे वायरल लोड जीरो आ गया है, लेकिन जो जांच कराते हैं जिसमें स्क्रीनिंग में पता लगता है कि हेपेटाइटिस भी है या नहीं है, वो अभी भी पॉजिटिव आ रहा है।
तो वो अभी धीरे धीरे होगा ना, वो भी नेगेटिव। अच्छा हाँ चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका व्यूअर्स को ये बताने के लिए कि आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा क्षमता है इन बीमारियों को ठीक करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, हाँ, शुक्रिया, थैंक यू। इसीलिए प्लानेट आयुर्वेदा का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमें अचानक से एक हमारे लिए तो भगवान की तरह से दू आया प्लानेट आयुर्वेदा अभी तक के लिए, और आगे क्या हम आशा करते हैं कि एवरेज स्कैन से और बेहतर हमारा लीवर हो जाए, तो इससे अच्छा हमारे लिए प्लानेट आयुर्वेदा से अच्छा कुछ हो भी नहीं सकता। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। धन्यवाद सर।